अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अमरीन जवाद। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी सब खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट करती हूँ। इस दफ़ा थोड़ी देर होगी, थोड़ी सी बिजी थी। चलिए जी, सबसे पहले तो अभी मैं उठी हूँ तो किचन में आ गई हूँ, तो अभी फ़िलहाल नाश्ता बनाऊँगी, तो साथ साथ आपसे बातें करते हैं। चाय जो है वो मैंने रख दी थी, कावा हमारा उबल गया, अब इसके अंदर हम दूध डालेंगे। नाश्ता बनाने लगी हूँ, चाय के बाद मैं पराठे रखूंगी, उसके लिए तवा रखूंगी। तो कैसे हैं आप सब लोग? गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो पहले तो मौसम अच्छा ही था, लेकिन अब दूसरे तीसरे दिन की तो काफ़ी यहाँ पे जेलों में गर्मी हुई हुई है। आप लोगों के शहर में मौसम कैसा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, रात को फ्राइज़ बनाए थे, तो अभी आयल पड़ा हुआ, इसको उठा के हम परे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोटियाँ बनानी हैं। रात के फ्राइज़ जो है कुछ बचे हुए पड़े हैं, हमने इस तरह बेसन लगा के, हल्का फुल्का बेसन लगा के बहुत मज़े के इस तरह फ्राइज़ बनते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ इसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। चल तवे को इतने में हम गर्म होने के लिए रख देते हैं। ये देसी घी है, पराठों पे सुबह देसी घी लगता है। चलिए जितने में हम बाहर जाते हैं, बाहर देखते हैं क्या हो रहा है। जो राबिया है मेरी हेल्पर, वो आई हुई है, वो काम कर रही है, तो सुबह सफाई स्टार्ट हो चुकी है। राबिया जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करती है। मीरब जो है वो लेने गई हुई थी एग, एग खत्म हुए थे। मीरब ले आई हो, दे दो मम्मा को प्लीज, टूट जाएंगे, दे दो प्लीज। नो, नो ऐसे नहीं करो, प्लीज दे दो ना। नो प्लीज, नो दे दो ना, मीरब टूट जाएंगे। आज अंदर ले आओ, आओ शेल्फ पे रखो, आओ। सबसे पहले जो है ना, ये अंकल की खुश्क रोटी बनानी होती है, वो बना लेते हैं। ये थी जी मेरी मॉर्निंग रूटीन, क्या वही सेम होती है सब औरतों की, सुबह उठो, नाश्ते बनाओ, फिर किचन साफ करो। तो आप सबकी मॉर्निंग कैसे होती है आप भी मुझे बताइएगा। जी अंकल की तो रोटी हो चुकी है तैयार, वो सालन के साथ खाते हैं, तो उनके साथ उनको सालन और चाय रख के तो उनको दे के आते हैं, और अंकल को दे के आते हैं। चलिए जी, जवाब का पराठा भी हो चुका है रेडी, जवाब को उसका पराठा देते हैं। जवाब का नाश्ता मैंने रेडी कर दिया, उनको बस सर्व कर दिया है। साथ में मैंने दो अंडे बनाए हैं और एक पराठा। मीरब जो है सीट पे बैठ चुकी है। मीरब बाबा शाज नाश्ता करोगी? तो कैसे कहती है, हेलो करो। अब जो है मैंने अपना पराठा भी डाल दिया है, मैं तो सालन के साथ खाऊंगी क्योंकि मुझे अंडे नहीं पसंद बिल्कुल भी। मैं अपना नाश्ता बना लेती हूँ सालन को, इतने में माइक्रोवेव में गर्म रखती हूँ। मैं अब नाश्ता करके आती हूँ, फिर आके आपसे बाकी बातें करते हैं। नाश्ता हमारा हो चुका है खत्म, अब जो है जी इतने बर्तन हो चुके हैं, अभी मैं धोऊंगी सारे। चले जी, बर्तनों को साथ साथ बातें करते हैं, साथ साथ बर्तन जो है वो धो लेते हैं। किचन मेरा हो चुका है साफ, सारे किचन का मैंने क्लीन कर लिया, शेल्फ वगैरह सारी साफ़ कर ली हैं। तो
ये मेरी मसाले वाली है। ये वैसे ना लोगों ने, मैंने ऑनलाइन ड्रॉस पे देखी थी, मुझे बड़ी पसंद आई। लोगों ने इसमें ज्वेलरी वगैरह भी रखी हुई थी, लेकिन मुझे ना स्पेशली ये मसालों के लिए बहुत अच्छी लगी कि इस तरह आप हर एक को निकाल लेते हैं और एक जगह पे ही जो है ना सारे मसाले आ जाते हैं। अच्छा, इसका शीशे का केस है, ये लॉक। चूल्हे वगैरह को भी साफ कर लिया। दूध मैंने गर्म होने के लिए मीरा पर आ गया, वो रख दिया है। सारा बर्तन धो के मैंने इस साइड पे रख देती हूँ, जब ये खुश्क हो जाते हैं तो फिर उठा कर मैं ये टोकरी में रख लूँगी। अच्छा, ये टोकरी भी मैंने ना अभी न्यू ली है, उस दिन मैं मार्केट गई थी तो मुझे ये अच्छी लगी। स्पेशली मुझे इसकी ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये इस पर ना जंग वगैरह नहीं लगता। चाहे तो आप गीले बर्तन भी इसमें रख लें, तो इसे मैंने इस साइड पर जो है ना सेट कर लिया है। ढक्कन लेते हैं। ये हैं जी हमारे लव बर्ड्स, हमने लव बर्ड रखे हुए हैं। रखे हुए काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन ना ये हुआ कि सर्दी की वजह से ना एक एक करके रोज़ाना उठते थे, तो कभी एक मरा हुआ होता था, कभी दो, तो बस अब ये तीन ही बच गए हैं। तो इन्होंने भी बच्चे, एक ने बच्चे दिए हुए हैं, दो तीन बच्चे थे लेकिन एक मार दिया। हेलो, दो तो ये ग्रीन कलर के हैं, एक ब्लू कलर की है, ये ब्लू कलर वाली भी बाहर आ गई है। इसने दो बच्चे दिए हुए हैं, तीन दिए हुए थे, सिर्फ मार ही दिया, अब दो रह गए हैं। लेकिन अब हम इंशाल्लाह और ज़्यादा रखेंगे। जो आज कह रहे थे कि बड़ा केज ले आऊँगा तो ज़्यादा रखेंगे। मीरब आ गई है स्टूल लेके, तो बस अब मीरब जो है ना सारा दिन इन्हीं के सामने बैठी रहती है, अब मुझसे मोबाइल मांग रही है कि मामा मुझे दो, मैं इनकी वीडियो बनाऊँ। भाई चले, बहुत गर्मी हो चुकी है, इतनी ज़्यादा आज तो बहुत शदीद गर्मी लग रही है। आ जाए मीरब, सेम में बैठे थोड़ी देर के लिए, आ जाओ। अभी मीरब को चेंज करवाना है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये मीरब की गाड़ी वायर ही पड़ी हुई है और धूल मिट्टी से बेचारी ना इस तरह हुई हुई है ना, साफ करने वाली हो गई है। अभी नहीं, अभी नहीं, इसके बाद डस्ट है मीरब। नो नो नो, जाओ डस्टिंग वाला मीरब कपड़ा लेके आओ प्लीज। बस मीरब बात मान सकती है यार, इसको साफ करना है अभी मैंने, प्लीज मीरब। ये मैंने छोटा सा एक सेटअप कर दिया था मीरब के लिए, क्योंकि मीरब के हर टाइम अंदर खिलौने बिखरे रहते थे, उससे ना तो सफाई का पता चलता था कि घर साफ हुआ हुआ है कि नहीं। तो फिर अब मैंने क्या किया है कि इसके सारे खिलौने इस तरह ये कारपेट डाल के, तो इस तरह इसके सारे खिलौने इधर रख दिए हैं, ये गिराती रहे जो मर्जी करे यहाँ पर खेलती है। तो शाम को सारा दिन ये बिखरे रहते हैं, शाम को मैं इनको अंदर जो है रख देती हूँ। ये जी देखिए मीरब, मीरब ने अपनी कैट और अपनी शीप को अंदर साथ बिठा लिया। ये थी जी मेरी मॉर्निंग रूटीन, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। जो न्यू होते हैं उनको तो आप ज़रूर सपोर्ट किया करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई और हम मज़ीद आगे जो है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं। लेकिन जब व्यूज़ नहीं आते तो फिर हमें ये होता है कि हमारा भी फिर दिल नहीं करता वीडियोज़ बनाने को, कि क्या फ़ायदा, इतनी मेहनत करते हैं और जो है व्यूज़ बिल्कुल नहीं आते। तो काइंडली आप हमारी जो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो है ना इस पर ज़रूर कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा जी, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपको ये मेरी मॉर्निंग रूटीन कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं डेली पे कोई ना कोई वीडियो ज़रूर चढ़ाया करूँगी। तो अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।